ये बॉल ऐसी लटकती रहेगी, देखो ये मतलब कहीं जाएगी नहीं, ये इस तरह से हवा में लटकती रहेगी और ऐसे से मारना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी गाइस, फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज सैलेड, पापा जी ने रख दिया। पापा जी हेल्थ कॉन्शियस है ना, पापा जी मेरा यही खाएगा आज। तो आज ब्रेकफास्ट में यही खाना है, इतना सारा सलाद। देखो तो भी गाइस, पीयूष कुनाले स्कूल से आ गए और हमने एक बॉक्स रिसीव किया, अभी इतना बड़ा बॉक्स, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसको अनबॉक्स करते हैं, चलो। गाइस ये बहुत मस्त चीज है, इससे कुछ बना सकते हैं। यही बहुत मस्त चीज है, ये भी गेम है। पहले क्या अनबॉक्स करें? टेनिस। देखते हैं कैसे टेनिस है। ओ, ये देखो, ये लग गया ना, देख इसमें बॉल लगी। बॉल कहाँ है? ये दी। बॉल दो। तो गाइस ये जो टेनिस है ना, ये टेबल टेनिस नहीं है, ये हवा टेनिस है। ये बॉल ऐसी लटकती रहेगी, देखो ये मतलब कहीं जाएगी नहीं, ये इस तरह से हवा में लटकती रहेगी और ऐसे से मारना है। और अकेले में बड़ा मजा आएगा खेलने में। इसको चारों साइड कहीं भी घुमा सकते हैं, देखो इधर घुमाया, इधर घुमाया, इधर मारा, इधर भी मार सकते हैं, किधर भी, चारों साइड कहीं भी चली जाएगी। 60 डिग्री है। एक बार आराम से खेलना, फील मस्त आ रहा है। ओ भाई, है ना? ओ ओ भाई, बड़ा मजा आ रहा है। ओ गाइस, बॉल गिरने का डर नहीं है। गाइस ऐसा लग रहा है हवा में खेल रहे हैं और बॉल गिर ही नहीं रही, मजा आ रहा है। ये देखो कर रहा है भाई, ये सही है। बॉल खोएगी नहीं, बॉल खोएगी नहीं भाई, ये सही चीज है, मस्त है यार ये तो। तो फिलहाल लंच करते हैं। आज बने फेवरेट कड़ी चावल और दाल चावल, दोनों के दोनों। और वो भी अभी आ गए हैं कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ थार से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं हम। शायद हमारी थार जा सकती है। ये वाली कड़ी मेरी फेवरेट है, मम्मी के हाथ का। और गाइस जब मैं खाना खाता हूँ ना, मम्मी यहाँ पे खड़ी हो जाती है देखने के लिए मेरे को पसंद आया नहीं आया, हमेशा मेरे ऊपर खड़ी हो जाती है। तो गाइस जब नेक्स्ट चीज अनबॉक्स करते हैं, ये ब्लॉक्स टाइप की कुछ है। ओ भाई, ये लकड़ी के ब्लॉक्स हैं और देखो एक में इतने सारे निकले गाइस। अबे क्या कर दिया, गिरा क्यों दिया? सबसे मेन बात तो ये है ना, ये बहुत हल्के हैं, इसको गिराने के लिए हम इनका यूज करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सभी हम चारों भाई बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेरा लग रहा है, देखो कितना ऊंचा है। मैंने बनाया कहां? कुनाली गिरा दो, इसको गिरा दो। बहुत आराम से रखने पड़े हैं, पेशेंस के साथ। ये देखो ऐसे रखने पड़ रहे हैं, सारे निकाल लो। ओ भाई बहुत सारे हैं यार, तो ओ भाई। तो गाइज हमने सारे निकाले हैं और ये टोटल 600 हैं। तो गाइज हमने सारे इस बॉक्स में डाल दिए। तो गाइज अब हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे, कुनाली और पीयूष और मैं। गधे के पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले होते हैं, गधे के पिल्ले थोड़े ना होते हैं। नहीं 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 हुई बेइज्जती, नहीं हुई। पहले माता रानी को प्रणाम करो, जय माता रानी बोलो। क्या टकला है ही नहीं उसका, है तो। जितना चिढ़ोगे उतना चिढ़ाएगा आपको, जितना चिढ़ोगे उतना चिढ़ाएगा। जितना नहीं कुनाली, जितना चिढ़ोगे उतना चिढ़ाएगा, उसके पास जाओ ही मत। गाइस ये पेड़ देखो कितना मस्त है, इसके ऊपर मैं हूँ। भाई कैसे खड़ा, देखो एक पैर से, ओहो स्टंट। जब भी हम तीनों भाई निकलते हैं ना, ये दोनों लड़ते रहते हैं, देखो ये देखो। ओ भाई ये लड़ते रहते हैं, घूमने नहीं देते ये, पता नहीं कब सुधरेंगे, कब लड़ाई करना बंद करेंगे गाइस। और गाइस आपको हमारी थार नहीं दिख रही यहाँ पे, तो हमारी थार जाने वाली है। कुनाल हमारी थार जाने वाली है, थार है अभी जा चुकी है, मतलब जाने वाली थार। कहाँ जाने वाली है वो चल जाएगा पता। अच्छा लग रहा है यहाँ, गाँव में अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लग रहा है। क्यों, गाँव जाओगे दोबारा? गांव तो जाना पड़ेगा। गांव जाओगे? हाँ। आप भी जाओगे गांव? कोई नहीं, मैं भी चलूंगा, आला हमारे साथ आएगा। हाँ गांव आऊंगा, गई साथ में चलेंगे गांव। हाँ, साथ में चलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं अपने प्लॉट में जहाँ हमारा घर बन रहा है ना, और मैं आपको अभी अपडेट दिखा नहीं सकता, कुछ रीजन है, अभी बाद में दिखाऊंगा आपको अपडेट, क्या अपडेट है हमारे न्यू घर की। अभी मैं आपको लेफ्ट में दिखाऊंगा नहीं, इतना दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। चढ़ जाओगे? चढ़ जाओगे, गिरना मत। ओहो कोई रिश्ता रिश्ता दिख रहे, रिश्ता रिश्ता दिख रहे। अब बहू की बेटी की पोती। गाइस अब मैं अम्मा को रोज चढ़ाता हूँ, अम्मा की बहन की बहू की बेटी की पोती शादी कराएगी मेरी। अब उल्टा क्यों चल रहे हो? ये देखो कैसे चल रहे हैं, कुनाली उल्टा चल रहा है, इसी तरह चल रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं हमारी सोसाइटी के जंगल में। ये हमारी सोसाइटी का जंगल है, देखो यहाँ पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। कुनाली सामने देखो आसमान में ऑरेंज कलर कितना प्यारा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना।
गाइज हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है ना, हमको ऐसा लगता है कि जो एरिया ना ये हमारा ही है, ऐसा लगता है ये एरिया हमने खरीद रखा है, यहाँ मस्त घूमते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं आता, ऐसा लगता है कि सारा एरिया हमारा है, ऐसा लगता है ये जो फाउंटेन है, ये जो पेड़ है, ये सब ऐसा लगता है सब हमारा है। मस्त घूमते रहो यहाँ पे शाम के टाइम पे, सुबह कभी भी घूमते रहो मस्त, कोई नहीं होता, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई कुछ नहीं। ये देखो प्यारे प्यारे फूल हैं, इनको देख के अच्छा लगता है। पीयूष भी आ गया डोलते डोलते पता नहीं साइकिल लेके, और बाकी सब देखो यहाँ बैठे हैं मस्त। गाइस ये देखो सामने चांद के साथ में एक तारा, कितना प्यारा लग रहा है। तो भैया अंधेरा हो चुका है, अब चलते हैं घर पे। ये देखो सामने चले, चल चलो। जय माता रानी। आज भजन चलने लग गए, देखो कल मैंने वीडियो में बोला भजन नहीं चल रहा, आज भजन चल रहे भाई मस्त। निकाल दे हैप्पी बर्थडे वाले, पर्दे नहीं खुल रहे ऐसे। गाइस मम्मी कह रही है हैप्पी बर्थडे निकाल दे। हां फिर उतार दे उनको, आप कैसे हो यार? पर्दा हो रहा है वहां पे, अच्छे तो लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो लगाए थोड़ी रहते हैं, निकालने तो पड़ेंगे। निकाल दो भाई निकाल दो, मम्मी कह रही पर्दे नहीं खुल रहे, निकाल दो। अरे ऐसे नहीं, आराम से आराम से। और यहाँ मम्मी और चाची काट रहे हैं सब्जी डिनर के लिए। ये देखो हरी सब्जी, मूली। इसमें प्रो हो गया मैं, इसमें प्रो हो गया, अगर आप होते तो मैं प्रो नहीं होता, नूब होता। अकेले में? हाँ अकेले में। खेल के दिखाओ, खेल के दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, मस्त खेल रहे हो अकेले में, मजा आ रहा है? तो भी डिनर रेडी हो गया है, आलू रोटी एंड ये क्या है दाल, तो खाते मस्त। तो भी खाना पीना हो चुका है और सभी सो चुके हैं, मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ। और हमारे घर में ना सभी काफ़ी जल्दी सोते हैं, बस मैं ही रात रात तक एडिटिंग करते करते मेरे को 2 या 3 बज जाते हैं सोने में, डेली 2 या 3 बजे सोता हूँ, मैक्सिमम 3 या कई बार 4-5 भी बज जाते हैं, लेकिन जब घर पे होता हूँ, जब ट्रैवल करता हूँ ना, जब ट्रैवल करता हूँ तब 4-5 बज जाते हैं, बट अभी तो मैं 2 या 3 बजे तक सो जाता हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग बनाता हूँ, उसको एडिट भी करना होता है, अपलोड भी करना होता है, सब कुछ सेट करना पड़ता है सुबह 8 बजे डालने के लिए, तो 2 या 3 बज ही जाते हैं उसके बाद। लेकिन आजकल मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है जब से मैं यहाँ पे सोना शुरू किया, बिकॉज यहाँ पे बस चीज़ें कम है, सिर्फ मेरा लैपटॉप है, फोन है और चार्जर वाजर, सिर्फ इतनी चीज़ें यहाँ पे, और देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और मेरा बेड है ये सोने वाला। तो मतलब जितनी कम चीज़ों में रहते हैं ना उतना सही लगता है, रूम में तो सब कुछ था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, पूरा भसड़ सी मची हुई थी, बट यहाँ पे कुछ नहीं है, लैपटॉप एडिटिंग करी आराम से मैं सो जाता हूँ मैं, और मतलब माइंड भी थोड़ा स्ट्रेस भी कम रहता है, थोड़ा सही पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यहाँ पे रह के मुझे सही लग रहा है। तो हाँ चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो भी गाइस पीयूष कुमार स्कूल से आ गए हैं, और देखो हमने क्या रिसीव किया है, अबे ये क्या कर दिया तुमने।